व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। व्हाट इज़ हाइपोफोरा, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ हाइपोफोरा इन द पोएम। हाइपोफोरा क्या है, हाइपोफोरा की दो एग्जांपल्स दीजिए। हाइपोफोरा इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच द राइटर रेजेज अ क्वेश्चन। ये एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें जो राइटर है, जो कवि है, वो क्वेश्चन करता है, प्रश्न करता है, एंड देन इमीडिएटली प्रोवाइड्स एन आंसर टू दैट क्वेश्चन, और साथ ही साथ उसका आंसर भी यानी कि उत्तर भी हमें दे देता है। जैसे कि हैज़ इट हिडन ऑल दिस कलर्स इन द सॉइल बिलो, क्या इसने अपने सारे रंग मिट्टी में छुपा रखे हैं। आई डग अ लॉट बट फाउंड नथिंग, मैंने तो बहुत सारा खोदा लेकिन मुझे तो कुछ नहीं मिला। दूसरी एग्जांपल, हाउ मच वाटर डज इट ड्रिंक, ये कितना पानी पीती है। इट गल्ज डाउन वाटर व्हाट यू गिव, ये तो सब कुछ निगल जाती है जो भी आप इसको दो। व्हाट इज रिफ्रेन, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ रिफ्रेन फ्रॉम द पोएम। रिफ्रेन क्या है, इसकी एक एग्जांपल दो। व्हाई डू यू थिंक हैज दिस लाइन बीन रिपीटेड, आपको क्यों लगता है कि इस लाइन को रिपीट किया गया है, दोहराया गया है। It refers to a phrase line or group of lines repeated at intervals throughout a poem. यानी कि जो refrain है वो एक शब्द समूह होता है, ये एक line हो सकती है या फिर group of lines हो सकती है जो कि अंतराल पर उसको दोहराया जाता है। For example, example के तौर पर the earth knows how to do the magic, यानी कि इस line को दोहराया गया interval पर। This line has been repeated to emphasize the poet's claim. यानी कि इस लाइन को इसलिए दोहराया गया है ताकि जो कवि का जो दावा है उसको और मजबूत किया जा सके। What is personification? Personification यानी कि मानवीकरण क्या होता है। How has the earth been personified in the poem? धरती को personified कैसे किया गया है। Personification is a figure of speech in which a thing, an idea or an animal is given human attributes. यानी कि मानवीकरण वो होता है जिसमें किसी चीज़ को, किसी विचार को, किसी जानवर को इंसान की खूबियां दे दी जाती हैं। एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स हैव द एबिलिटी टू ड्रिंक वाटर, अब जानवरों में और इंसानों में क्या खूबी है कि वो पानी पी सकते हैं। बट इन द पोएम द पोएट एट्रीब्यूट्स दिस क्वालिटी टू अर्थ, लेकिन कविता में ये जो क्वालिटी है, जो कवि है, किसको दे देता है, धरती को दे देता है, यानी कि धरती भी पानी पीती है। वॉट इज़ इमेजरी, गिव थ्री एग्जाम्पल, इमेजरी क्या है, तीन एग्जाम्पल्स दीजिए। इमेजरी कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज दैट हेल्प्स द रीडर टू बेटर इमेजिन द वर्ल्ड थ्रू फाइव सेंसेस। यानी कि इमेजरी एक वर्णित लैंग्वेज होती है, भाषा होती है, जिससे कि एक पढ़ने वाला, एक पाठक बहुत अच्छे तरीके से इस संसार को देख सकता है, समझ सकता है, कैसे, अपने पांच ज्ञान इंद्रियों के द्वारा। जैसे सेंसेस नेमली द डिटेल्स ऑफ टेस्ट, साइट देखना, स्मेल सूंघना एंड साउंड और आवाज़। फॉर एग्जांपल जैसे स्वीट सावर यानी कि खट्टा मीठा, टेस्ट लिस्ट यानी कि जो हमारी चखने की, टेस्ट की जो है इंद्री, उससे हमें ये पता चलता है। मैंगोज़ देखकर हमें अच्छे लगते हैं तो ये खूबसूरत होते हैं, तो ये देखने का हो गया, साइट का हो गया। पॉमग्रेनेट्स लीव्स और पत्ते, ठीक है ना, इस तरह से हम ज्ञान इंद्रियों से इस चीज़ को